Hello student, now at the end, today we discuss the last miscellaneous exercise of our chapter number 3, right? It's very easy because you already know that all the formulas, right? So let's start, okay, for this last session of this chapter, but it's very important and your beginning, right? So take more practices, okay? Normally, this kind of the time, right? So please utilize your time for these chapters, okay? So because you are very easy to move the standard 12, okay? And also all the chapters depends. Let's start of the here. Prove karna hai, okay? So 2 cos pi by 3 and the cos 9 pi by 3 plus cos 3 pi by 3, 13 sorry, and cos 8 pi by 13. Right is equal to आपको क्या करना है जीरो प्रूव करना है. Let's see LHS बच्चों. LHS मतलब 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos cos 8 pi by 13. Right बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले देखो यहाँ पे एक ही जगह पे आपको फॉर्मूला मिल जाती है, थोड़ा सीखना पड़ेगा. ओके तो चलो फॉर्मूला है 2cc. तो 2cc की फॉर्मूला क्या होती है? 2cc मींस c plus c, right? 2cc तो c plus c, तो क्या लिखोगे? cos c plus c cos x plus cos y pi by 13 plus 9 pi by 13 plus cos pi by 13 minus 8 pi by, sorry, here 9 pi by 13, यहाँ पे minus हो जाएगा pi by 13, plus cos 3 pi by 13 as it is, plus cos 8 pi by 13 as it is, okay, last two में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे cos 10 pi by 13, okay, plus cos यहाँ पे माइनस 8 पाई बाय 13 ओके प्लस कॉस 3 पाई बाय 13 ओके एंड प्लस कॉस 8 पाई बाय 13 फिर ये आपने अल्टीमेटली कर दी. अब देखो कॉस माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाता है तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया? प्लस. ओके समझ में आ गया. हम क्या करेंगे इसके अंदर? तो देखो बच्चों इसके अंदर अब ट्राई करेंगे किसी को कन्वर्ट करने का, राइट? क्या करेंगे कन्वर्ट करने का? तो एक बार ये 10 वाला है, ओके. दूसरा है हमारे पास 8 पाई बाय 3, यानी पीछे क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास 5 पाई बाय 3 है, राइट? कितना है 5 पाई बाय 3, ओके. बाय मिस्टेक्स 5 पाई बाय 3, तो इधर 5 है तो 5 पाई बाय 3, दिस इज आल्सो द 5 पाई बाय 3. चलो कन्वर्ट करते हैं बच्चों इसको. तो cos क्या आएगा? पाई माइनस में इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 पाई बाय 13, चेक करो 13 माइनस की तो 10 पाई बाय 13 आता है, प्लस ठीक है किसी मतलब ये बड़े थे इन दोनों को ही हम लोग करेंगे तो माइनस यहां पे आप क्या करोगे 5 पाई बाय माइनस 13 तो हो गया 8 13 पाई माइनस 5 पाई बाय 8 पाई बाकी सब एज इट इज ओके प्लस कॉस 3 पाई बाय 13 एंड प्लस कॉस 5 पाई बाय 13 ये आपने कर दिया. अब देखो पाई माइनस थीटा क्या होता है? पाई माइनस थीटा बच्चों बताओ पाई माइनस थीटा क्या होता है? तो पाई माइनस थीटा कॉस के लिए सेकंड क्वाड्रेंट कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है पाई है तो फंक्शन नॉट चेंज तो इज इक्वल टू यहां पे लिखोगे माइनस कॉस 3 पाई बाय 13 अगेन पाई माइनस 5 पाई बाय थीटा तो माइनस कॉस 5 पाई बाय थीटा क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव पाई है तो फंक्शन नॉट चेंज प्लस कॉस 3 पाई बाय 13 ओके एन प्लस कॉस 5 पाई बाय 13 तो ए बी कट ए बी कट ए बी कट ए बी कट इज इक्वल टू 0 दैट मींस आर एच एस. राइट बच्चों क्लियर?
आ गया समझ में? ओके चलो कॉपी कर लो तो समझ में आ जाए तुरंत ही आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर टू लिख रहा हूँ। ओके तो बहुत इजी था, ये सारे प्रूव दैट है, हम लोग प्रूव करते रहेंगे ऐसे ही। साइन 3x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट ऐसे क्लोज ओके इनटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट के बाद ओके इनटू कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। क्या करना है बच्चों? इसको जीरो प्रूव करना है। लेट्स सी, बहुत छोटा सा हमें कुछ नहीं है आइडियाज, पहले तो एलएचएस कर देते हैं। ओके साइन 3x प्लस साइन एक्स एट साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स। हम देखो s प्लस s की फॉर्मूला अप्लाई करो और कुछ नहीं। तो s प्लस s क्या होता है? 2cs राइट, सो 2 और 2sc, तो 2sc s मतलब साइन, तो साइन 3x प्लस x बाय 2 राइट इनटू कॉस 3x माइनस x बाय 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू साइन x प्लस, चलो सेकंड में c माइनस c, c माइनस c की बच्चों फॉर्मूला बताओ, c माइनस c की फॉर्मूला ओके क्या है? माइनस 2ss, वेरी गुड, माइनस 2ss, तो माइनस 2 s मतलब साइन, क्या आ जाएगा 3x प्लस x बाय 2 इनटू साइन 3x माइनस x बाय 2 इनटू आपके कब पास बचेगा cos x। चलो क्लियर, अब यहां पे चेक करते हैं बच्चों 2 क्या बचेगा साइन 4x बाय 2 तो साइन 2x और इधर बचेगा cos x और इनटू साइन x राइट ओके प्लस ये साइन x था इसके लिए। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 2 साइन कितना आ गया 2x इनटू क्या बचेगा साइन x और इनटू कॉस x राइट। तो देखो सारी टर्म्स एक है तो एक कट और एक कट प्लस माइनस का जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू RHS। यही बात समझ में? तो पहले ही बोला था कि जितनी फॉर्मूलाज प्रिपेयर करोगे ओके और इसको प्रैक्टिस में लाओगे तो ऐसे सारे सम्स बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, बहुत आसान तरीका है ओके okay, और तो ही सारे इसको रटना नहीं पड़ेगा, वो प्रैक्टिकल में आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, बोलते रहो सम के साथ ओके मुमरिंग करते रहो सम के या तो बहुत फास्टली इम्प होगा, ऐसे 500 सम आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। चलो नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, पढ़ इट। नंबर 3 इज cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव दैट 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2। तो ऐसा लाना है x प्लस y बाय 2 एंगल है ना ओके। चलो तो LHS सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट cos x प्लस cos y रास्ता मिल जाता है प्लस sin x माइनस sin y ओके। पहले आपको क्या मन में थिंकिंग को सर होल स्क्वायर है चलो ना वो कर दे स्क्वायर करके हाँ बराबर, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ तक पहुँच तो कोई बात नहीं हो सकता है उससे भी, बट उससे अच्छा c प्लस सी आप जानते हो तो c प्लस सी की फॉर्मूला क्या है 2cc राइट बच्चों, तो लिख सकते हो ना 2 cos x प्लस y बाय 2 इनटू cos x माइनस y बाय 2। चलो क्लियर, होल स्क्वायर तो है ही तो रखना ही पड़ेगा प्लस अगेन s माइनस s तो 2cs,
2 cos x plus y by 2, okay, into sin x minus y by 2 and whole square, right? Whole square हमने as it is रखा, कोई change नहीं किया. अब क्या करेंगे बच्चों, split कर दो. तो 2 cos square तो कितना होता, okay. फिर cos square क्या आ गया, x plus y by 2, ये whole square हो गया, into cos x minus y by 2, ओके होल स्क्वायर. तो होल स्क्वायर कहाँ पे, कॉस स्क्वायर फंक्शन पे लिखते हैं, प्लस 2 का 4, अगेन इधर कॉस क्या लिखोगे, x प्लस y बाय 2 व्हाट कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर इनटू x माइनस y बाय 2, ओके स्क्वायर, समझ रहे हो? ओके तो यहाँ पे अल्टीमेटली बराबर हमारा एक काम हो जाएगा, समझ रहे हो ना, राइट? ओके तो चलो, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो 4 है तो कॉमन निकाल दो बच्चों. तो 4 अपने क्या कॉमन निकाल दिया, 4 cos स्क्वायर x plus y by 2 कॉमन निकल गया, सो रिमेनिंग क्या बचा, तो रिमेनिंग है cos स्क्वायर x minus y by 2 plus sin स्क्वायर x minus y by 2. ओके बच्चों, एक रूल नहीं है. ओके चलो, अब काम आसान से हो गया, ये आपके आइडेंटिटी बन गए, cos square theta minus sin square theta, क्योंकि theta same है, x minus y by 2, cos square plus sin square क्या होता है, 1, so is equal to 4 into cos square x plus y by 2, right, is equal to RHS, right, एक बार रास्ता मिल जाएगा, तो एक करना है, मतलब ultimately बहुत easy हो जाएगा, so done it, right, okay, तो चलो आगे बढ़ते, उसके जैसा same question number 4, right, चलो देख लेते बच्चों, copy कर लो, कल लिया है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन 4 मुझे यहाँ पे माइनस करना है, ओके प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई, ओके इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2. चलो ट्राई करके देख लेते हैं इसको भी. अच्छा टेक्स्ट बुक अच्छी RHS आपके पास है, cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर, राइट? टू साइन में करना है, ओके नॉट होल स्क्वायर. तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला c माइनस 2ss 2 साइन x प्लस y बाय 2 इंटू साइन x माइनस y बाय 2, चलो ब्रैकेट क्लोज, प्लस इधर s माइनस s 2cs, ओके सो 2c मतलब cos, ओके x पहले प्लस y 2 एंड सेकंड माइनस, तो x माइनस y बाय 2 होल स्क्वायर, राइट? ओके इधर भी होल स्क्वायर. चलो पहले स्प्लिट कर दो, 2 2 कितना हो गया 4, इधर sin स्क्वायर आ गया x प्लस y बाय 2, इधर sin स्क्वायर x माइनस y बाय 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2 इनटू क्या आएगा बच्चों, sin स्क्वायर x माइनस y बाय 2. अगले सम जैसा हो गया, क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ पे, साइन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू, तो कॉमन निकाल दो, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू कॉमन, सो रिमेनिंग टर्म्स आर हियर द साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू प्लस यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू. चलो क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 4 साइन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई बाय टू आया. ओके तो यही हमारा क्या था, आंसर था, तो इज इक्वल टू आर एच एस. ओके तो देखो एक सम में आपको लिंक मिल गई, तो दूसरा अपने आप सॉल्व होने लगता है, आया समझ में? ओके गॉट इट, तो पैटर्न समझते जाओ तो और आइडियाज आते रहेंगे आपको. ओके और जितनी फॉर्मूला पावरफुल यू क्रैक द ऑल द सम, ऐसा जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक के बाहर का भी, मैंने वर्कशीट दी है तो उस वर्कशीट को आप सॉल्व करो, उसमें बहुत सारे अच्छे सम्स हैं. ओके मैं उसके खाली आंसर क्या आएंगे, ओके वो मैं आपको भेज दूंगा खाली, तो प्रैक्टिस करना.
और फिर वो सबमिट करना मुझे, तो मुझे पता चलेगा आपको कौन से नहीं आए, तो डिस्कस कर सके। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे सम्स लिखता हूँ अभी। साइन एक्स प्लस आज साइन 3x ओके प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x साइन 7x इज इक्वल टू 4 cos x 4 cos 2x प्लस 4 cos 2x इनटू साइन 4x ऐसा प्रूव करना है, राइट ओके। बस तो थोड़ी मंजिली सेट करनी है तो अपने आप हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले LHS को चलो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले तो पूरा साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x ओके। और सारे नंबर है तो दो और को इकट्ठा करो ऐड करो बराबर, तो इवन बन जाएगा, तो हम लोग वही ट्राई करेंगे। तो चलो सबसे पहले साइन 7x प्लस साइन एक्स बट इट एक ग्रुप बना दिया, बस दूसरा ग्रुप आपका बन गया साइन 5x प्लस साइन 3x, बस अपना काम तो आसान हो गया आपका, राइट। एस प्लस एस, एस प्लस एस दोनों में सेम फॉर्मूला, एस प्लस एस मतलब 2sc राइट, तो 2s साइन यहाँ पे 7x प्लस x बाय 2 2c s प्लस 2sc सो 2sc और 7x माइनस x एंड बाय 2 प्लस सेम थिंग 2 साइन ओके 5x प्लस 3x बाय 2 इनटू कॉस, इनटू कॉस क्या मिल रहा है 5x माइनस 3x एंड बाय 2 एंड बच्चों चलो सिंप्लीफाई कर दो पहले तो 2 साइन 4x आ गया ओके, फिर यहाँ पे आ गया कॉस 6x बाई 2 कॉस 3x आ गया प्लस 2 साइन 4x आ गया एल 2 कॉस x आ गया। कोई बात नहीं जो कॉमन निकलता है निकाल लो, तो 2 साइन 4x अपना कॉमन निकाल दिया बच्चों, इधर बच रहा है कॉस 3x प्लस कॉस x आ रहा है, राइट क्या आ रहा है कॉस x आ रहा है, समझ रहे हो ओके। तो कोई बात नहीं, सी प्लस सी आपके पास रेडीमेड फॉर्मूला है ओके, तो इसी का यूज करो बच्चों सी प्लस सी के लिए, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इज इक्वल टू 2 साइन 4x इनटू ब्रैकेट सी प्लस सी, तो क्या होता है हाँ भाई बताओ क्या होता है, हाँ 2cc तो 2cc cos 3x प्लस x बाय 2 राइट इनटू cos 3x माइनस x बाय 2 ठीक। चलो तो आपने यहाँ पे तो 2 साइन 4x ये 2 आ गया गया राइट, तो 2 दूसरा क्या हो गया 4 हो गया इनटू cos 2x आ गया और इनटू क्या बचेगा cos x इज इक्वल टू RHS जो हमें लाना था वो सामने ही वो हो गया, क्लियर बच्चों है आसान। तो जो फॉर्मूला आज आप पढ़ रहे हो वही उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप लोग ओके। तो मैंने पहले बता रहा क्या है फॉर्मूला, ऐसे ही याद रखो ताकि आपका सॉल्यूशंस बहुत आसान हो जाए। लेट्स स्टार्ट देन आफ्टर सम ओके, तो सम नंबर 6-1 या सो देख लेते हैं कुछ 6-1 6-1 मजा आए ऐसे सम से फॉर्मूला आ जाए, तो अब बैठे गिनते ही रहो ना 6-1 6-1 है आपके पास साइन 7x प्लस साइन 3x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन मेरे पास है कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस इनटू ब्रैकेट कॉस 9x
cos 9x plus cos 3x ओके इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है tan 6x, क्या प्रूव करना है tan 6x, तो आसान हो गया क्योंकि प्रूव बता दिया इसीलिए, सो आई वांट टू द tan 6x, क्या प्रूव करना है बच्चों tan 6x प्रूव करना है राइट। अब मैं इसको LHS बना देता हूँ तो आप याद रख लेना ओके। तो चलो LHS मुझे मिल गया, गॉट इट। अब देखो LHS है, क्या करोगे sin 7x एंड sin 3x बताओ, तो s प्लस s प्लस s, c प्लस c, c प्लस c, पहला वाला जो है उसका आपको इंटीग्रेशन करो, s प्लस s 2sc, सो 2 sin 7x प्लस 3x by 2 राइट इनटू cos 7x माइनस 3x एंड by 2 तो पहले वाला प्लस सेकंड ओके इनटू 2 sin 9x प्लस 3x by 2 ओके इनटू यहाँ पे हम लोग करेंगे cos 9x माइनस 3x by 2 बराबर है ना बच्चों, चेक करिए राइट। ऐसे करने इसकी जरूरत नहीं है, चलो पहले इसकी तो 2 c है तो 2 c plus c 2 c c तो 2 cos 7x plus 5x by 2 into cos cos ये into cos 7x plus or minus 5x by 2 plus 2 cos 9x minus plus 3x by 2 into cos 9x minus 3x by 2 चलो क्या सब में से 2 कॉमन और कट कर दो, पहले तो मैंने सब में से 2 निकाल के कट कर दिया, अब जो बाकी बचता है उसको लिखते जाओ, sin 10x तो sin 5x सॉरी 2 10 है तो 5x और 7 and 3 है और 9 and 9 and 3 12 9 and 3 and 7 and 5 12 right? ये गलती हो गई sin 7x and sin 5x तो 5x है, ये तो मुझे प्रूव करते हैं 5x करना पड़ेगा, बस एक ही में चेंज होगा और एक ही में आ गया 5x बाकी सब तो बराबर, तो ये तो 12x है तो क्या गया 6x आ गया बच्चों, इधर cos 7x है तो 2x तो cos x हो गया प्लस ए टू तो कॉमन निकाल दिया तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा साइन 12 है तो 6x हो गया इनटू कॉस 3x हो गया राइट अपॉन, हमारे पास जो बच रहा है वो क्या है 2 तो कॉमन निकल गया और कट भी हो गया कॉस 6x इनटू कॉस x प्लस इधर भी कॉस 6x 2 तो बाहर निकल गया तो कॉस 6x इनटू 3 क्या है 6x by 2 तो cos 3x, अब क्या कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो न्यूमरेटर में से cos 6x निकल रहा है, रिमेनिंग टर्म cos x plus cos 3x है ओके अपॉन cos 6x कॉमन निकल रहा है, नीचे बचेगा cos x plus ओके cos 3x ओके, तो ये पूरी पैटर्न कट, तो sin अपॉन cos को 10 कहा जाता है तो 10 6x आया एंड इज इक्वल टू आर एच एच, चलो आ गए बच्चों समझ में ओके, इतना आसान दिखने में ऐसा बराबर बट सम बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो ऐसा है, चलो अंडरस्टैंड क्लियर श्योर ओके। तो जितने फॉर्मूलाज पावरफुल रखोगे उतने ऐसे क्वेश्चन आप माइंड ब्लोइंगली सॉल्व करते जा सकते हो, लेट्स सी चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चल जाते हैं। एक साथ आते होंगे ऐसा समथिंग हुआ होगा तो LHS चलो सबसे पहले तो sin 3x बच्चों into sin 2x
ओके एन माइनस साइन एक्स। चलो कोई भी पेयर अपने हिसाब से बना लो, कोई भी बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी डायरेक्ट बना रहा हूँ साइन थ्री एक्स और माइनस साइन एक्स, क्योंकि ये इवन दे सकता है वैल्यू किसी में। चलो साइन टू एक्स एज इट इज, एस माइनस एस माइनस टू सी एस, सॉरी टू सी एस, तो टू सी सी मतलब क्या हो गया थ्री एक्स प्लस एक्स एन बाई टू, राइट बच्चों? ओके इन टू साइन टू आप लिख सकते हो थ्री एक्स माइनस एक्स एन बाई टू सी एस हो गया प्लस साइन टू एक्स एज इट इज। ओके अब क्या करोगे यहाँ पर बताओ। चलो अब आप क्या करोगे यहाँ पे सिंप्लीफाई के तौर पर, ओके बताओ बच्चों सिंप्लीफाई करो पहले को। टू कॉस ये तो टू एक्स हो गया इन टू साइन कट हो गया एक्स प्लस साइन टू एक्स आ गया, हमें क्या करना है फोर। तो बहुत सीधी बात है कॉस टू एक्स होंगे हैं तो टू सी एस का वापिस वो आएगा और इधर है ना टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो कुछ ना कुछ तो क्या हो गया कॉमन निकल सकता है। तो हम लोग वो ही करेंगे टू कॉस टू एक्स और इन टू बच्चो साइन एक्स, इसकी फॉर्मूला रख दो टू साइन एक्स होता है इन टू कॉस एक्स होता है, राइट। अब क्या कॉमन निकल रहा है टू साइन एक्स कॉमन निकल रहा है, निकाल दो आपके पास बचेगा कॉस टू एक्स बचेगा एंड प्लस यहाँ पे खाली कॉस एक्स लगेगा। ओके अब सी प्लस सी की फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे आंसर दिख रहा है अब, राइट। क्यों? क्योंकि एक तो टू आ गया और दूसरा टू मिल रहा है तो साइन एक्स मिल गया, हम साइन एक्स भी लाना था। ओके अब हम करेंगे सी प्लस सी तो क्या होगा टू सी सी, क्या हो जाएगा टू सी सी, अंडरस्टैंड। चलो टू सी सी करते हैं बच्चों, तो टू सी सी लाने के लिए बहुत आसान तरीका है टू कॉस, राइट। क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस एक्स बाई टू हो गया इन टू सी, क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस एक्स बाई टू ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू टू जार फोर साइन एक्स ओके इन टू कॉस थ्री एक्स बाई टू एंड इन टू कॉस एक्स बाई टू। चलो क्लियर, तो साइन एक्स कॉस थ्री एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू सो आ गया इज इक्वल टू आर एच एस, समझ रहे हो? तो क्या हो गया आर एच एस हो गया, डन 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 डन। ओके क्लियर, ओके तो ऐसा बहुत सारे सम्स प्रूव कर सकते हो। ओके बच्चों हम लोग बाकी जो सम्स है उसे उसका एक छोटा टॉपिक मुझे सीखाना है फॉर्मूला बेस्ड, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। ओके तो उसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये कर देंगे। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहो चैनल, अच्छा लगे तो आपकी बहुत सारे वीडियोज है, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। ओके वो अल्टीमेटली आपके पर्सनली आपके पास आते रहेंगे, और लाइक करो और कमेंट सेक्शन में जाओ, अच्छा लगे तो कुछ लिखो। ओके आपको बुरा लगे तो भी लिखो ताकि हमें पता चले मैं और कितना अच्छा कर सकता हूँ। ओके टिल देन बाय बाय।